कब से इन प्यासी थिएटर्स पे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। चलो आ गया सूर्यवंशी। हेलो दोस्तों, सिनेमा पागल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अहिजित, और आज हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। फिल्म की स्टोरी अगर एक लाइन में बताई जाए तो अक्षय कुमार यहाँ पे एक कॉप है जिनका नाम सूर्यवंशी रहता है, और वो एक टेररिस्ट अटैक से मुंबई को बचाने की कोशिश करते हैं। 1993 में मुंबई ब्लास्ट के बाद बहुत सारा आरडीएक्स गायब हो जाता है, किसी को भी क्लू नहीं रहता वो आरडीएक्स कहाँ गया, और उसी आरडीएक्स एक्सप्लोसिव को टेररिस्ट ग्रुप लोग यूज करने वाले रहते हैं मुंबई के ऊपर, और कैसे सूर्यवंशी इस अटैक को रोकता है इसी के ऊपर है ये स्टोरी सूर्यवंशी। फिल्म के स्टारकास्ट में है कैटरीना कैफ, जावेद जाफरी, जैकी श्रॉफ, सिकंदर खेर, गुलशन ग्रोवर और अभिमन्यु। ये फिल्म रिलीज होने वाली थी मार्च 24, 2020 को, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ पोस्टपोन कर दिया गया। फिल्म की रेटिंग अभी IMDb में 6.2 है आउट ऑफ 10। फिल्म का स्टोरी और डायरेक्शन किया है रोहित शेट्टी ने, और इसका स्क्रीन प्ले लिखा है यूनुस्ड ने, सिनेमाटोग्राफी किया है जोमोंटी जॉन ने। तो चलिए अभी डिटेल्स में इस मूवी के सारे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। वॉइस ओवर में हमें याद दिलाया जाता है कि मुंबई के ऊपर 1993 से 2008 तक बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, कभी ताजमहल पैलेस में, तो कभी छत्रपति शिवाजी बस टर्मिनस में, और कभी स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टोरी में बताया जाता है कि मुंबई के ऊपर सबसे बड़ा टेरर अटैक अभी होने वाला है। टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तोयबा मुंबई में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। स्लीपर सेल्स क्या होता है? स्लीपर सेल्स अगर कहा जाए तो स्लीपर सेल्स में ऐसे मेंबर्स होते हैं जो बहुत दिनों तक अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। कोई दूध वाला होता है, कोई बार्बर होता है, कोई नॉर्मल काम करता है, किसी को पता नहीं रहता है कि एक्चुअली वो टेररिस्ट है। वो बहुत ही घुल मिल जाता है और नॉर्मल डेली लाइफ लीड करता है, और एक दिन अचानक से टेरर अटैक कर देता है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद बहुत सारा अनयूज्ड आरडीएक्स गायब हो जाता है, और लश्कर ए तोयबा के स्लीपर सेल्स उसी आरडीएक्स को लेके मुंबई टेरर अटैक प्लान करते हैं। बिलाल मतलब जैकी श्रॉफ जो लश्कर ए तोयबा के हेड रहते हैं, वो ये प्लान इंडिया के बाहर से प्लान आउट करते हैं। सूर्यवंशी अपने टारगेट मतलब अपने मिशन के बहुत ही क्लोज रहते हैं, लेकिन पूरा मिशन को समेटने मतलब पूरा मिशन को क्लोज करने में उनको सिम्बा और सिंघम का हेल्प लेना पड़ता है, और यहाँ पे एक कैमियो अपीयरेंस दिया है रणवीर सिंह और अजय देवगन ने। स्टोरी की बात करें तो ये मूवी एक घिसी पिटी फॉर्मूला के ऊपर बनी है, जहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है मुंबई पे, सुपर कॉप रहता है और वो अपने डेयर डेविल स्टंट्स के साथ टेररिस्ट ग्रुप को एलिमिनेट कर देता है। मूवी में अगर लॉजिक छोड़ के बात करें, मतलब मैं कह देता हूँ कि लॉजिक छोड़ के बात करें, तो मूवी के फर्स्ट हाफ में कौन क्या है वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने में चले जाते हैं, और सेकेंड हाफ थोड़ा थ्रिल राइड रहता है जहाँ पे एक एंडिंग के तरफ हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन बट बहुत प्रेडिक्टेबल रहता है, आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है इसके बाद, और ज़्यादा कुछ सरप्राइजेस या फिर ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है मूवी में। तो ये मूवी की स्टोरी काफ़ी हद तक आप बता पाएंगे कि पहले से एंड तक क्या होने वाला है, सरप्राइज जीरो। एक्टिंग की बात करें तो इस मूवी में सारे एक्टर्स फ्रॉम लाइक स्टार कास्ट से लेके जो सपोर्टिंग कास्ट से सभी ने ओकेश एक्टिंग किया है, मतलब कुछ स्कोप था नहीं कि अपना एक्टिंग का जलवा दिखा पाए। एक्टिंग के बाद बात करें हम लोग डायरेक्शन की। रोहित शेट्टी ने अपना एक कॉप यूनिवर्स बना लिया है जो सिंघम से शुरू हुआ था, फिर सिम्बा आया और अभी सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी भी सिम्बा और सिंघम से कुछ अलग नहीं है, एक एक्शन थ्रिलर है, एटलीस्ट रोहित शेट्टी वही कहते हैं, और अक्षय कुमार इज बैक इन एक्शन। इस मूवी में भी रोहित शेट्टी का ट्रेडमार्क स्टाइल हेलीकॉप्टर्स, उड़ते हुए गाड़ी और डेयर डेविल स्टंट्स थे। अब बात करते हैं इस मूवी की म्यूजिक या फिर साउंड के बारे में। देखिए अगर इस मूवी के साउंड या फिर म्यूजिक के बारे में बात करेंगे तो मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा, फिर भी अगर कहना है तो मैं कहूँगा आई लव साउंड इज क्वाइट गुड, और टिप टिप वर्षा पानी इज ऑलवेज अच्छा, जो 20 साल पहले भी सुना था वो भी अच्छा लग रहा है, एक नए रेंडिशन में दिया गया, हमें प्रेजेंट किया गया है। स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग, साउंड के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, तो चलिए इस मूवी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स हमें। अक्षय कुमार की रोहित शेट्टी के साथ ये पहली कोलैबोरेशन थी,
और अक्षय कुमार और अजय देवगन की 15 साल बाद एक साथ मूवी आई। 2005 में इंसान एक मूवी रिलीज हुई थी और उसके 15 साल बाद सूर्यवंशी आई है, जिसमें अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ स्क्रीन शेयर करें। ये मूवी यू तो रिलीज होने वाली थी 24 मार्च 2020 को, जैसे मैंने पहले ही कहा, लेकिन जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी उसके सिर्फ 5 दिन पहले इस मूवी का प्रमोशन शुरू किया है, क्योंकि रोहित शेट्टी को लगा था कि 24 दिन इस मूवी के प्रमोशन के लिए काफी। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी की हाइलाइट्स के बारे में। हाइलाइट्स बोले तो ये मूवी में सबसे अच्छी बात क्या है? अगर सबसे अच्छी बात देखें तो इस मूवी का एक्शन है, और स्पेशली अक्षय कुमार जहाँ पे चेज करते हैं सिकंदर केट को बैंकॉक में, इस मूवी का पूरा रिव्यू तो हम लोग ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर ही चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी को हम लोग देखें या ना देखें। देखिए, अगर आप खाली बैठे हैं या फिर टाइम पास करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास एक पैसे का पेड़ है जिसको लाने से पैसा गिरता है, अगर ऐसा कुछ है, पैसा बहुत बर्बाद करने का मन हो रहा है, तो ये मूवी आप थिएटर में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी में कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक पैसा वसूल एंटरटेनर चाहिए तो ये मूवी आप ज़रूर थिएटर में देखिए। लेकिन आप अगर सिर्फ अच्छी मूवी देखना पसंद करते हैं, इसमें अच्छी स्टोरी लाइन हो, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। आपका पैसा बर्बाद मत कीजिए, घर में किसी के पास पैसे का पेड़ नहीं है, सो सेव इट, सो पैसे बचाइए और हमारा रिव्यू देखते रहिए। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, स्टे सेफ।